अगर आप सोच रहे हो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं मोहित से मिलने आया हूँ. आई एम रियली रियली हैप्पी मोहित मीटिंग यू, क्योंकि वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स हैव संग समथिंग अबाउट माय फेवरेट डिश कपकेक. क्या बात है. I love cupcakes. I die for cupcakes. I love cakes altogether. Cupcakes are my personal favorite. And cupcake song, I think it's special to you also. हाँ, क्योंकि है ना मतलब मेरा ना कॉलेज में एक क्रश थी. उसका नाम था आयुषी. अब I was going to ask that question because उसमें जो आयुषी नाम लेते हो आप वो सच में थी या नहीं थी? सच में थी वो. सच में मतलब मेरे जितने भी ज़्यादातर songs होते हैं ना जो मैं बनाता हूँ वो सारे ओरिजिनली मतलब मेरी लाइफ से इंस्पायर्ड होते हैं. जो भी मेरी लाइफ में हो रहा होता है मैं उसको सॉन्ग्स में कन्वर्ट कर देता हूँ. तो है ना वो कह रहा था आयुषी और मैं दोस्त बने हैं ना और मेरे को उस पर क्रश था पर वो एंगेज थी. तो है ना मैंने फिर कहा कि इसको मैं हमेशा दोस्त की तरह ही मतलब सोचूंगा, कभी उससे ज़्यादा नहीं क्योंकि ऑलरेडी एंगेज है. तो फिर है ना अब मुझे क्या है जो भी मेरे बहुत खास होते हैं ना मैं उनको निकनेम्स देता हूँ. तो मैंने उससे एक दिन पूछा तेरे को क्या निकनेम दूँ, बोले तू बता. तो मैंने कहा बहुत सारे नाम सजेस्ट किए, फिर कपकेक मैंने उसको बोला तो उसने कहा हाँ ये चल सकता है नाम cupcake. और कपकेक हुआ. और मेरी लाइफ में जितने जो प्यारे लोग होते हैं जो मतलब मेरी लाइफ में बहुत स्पेशल मुझे लगते हैं मैं उनके लिए गाने अपने आप बना देता हूँ, मतलब अपने आप बन जाता हूँ उनके लिए गाने. तो है ना उसके लिए कपकेक बन गया. कपकेक बन गया. होपफुली अगर ये मेरे को पसंद मतलब इफ ही लाइक्स मी बाय द एंड ऑफ द इंटरव्यू मेरा भी निकनेम आ जाएगा कुछ ना कुछ. हाँ. देखते हैं. बट आप जैसा बताया कि एवरीथिंग इज इंस्पायर्ड फ्रॉम योर लाइफ, मोस्ट ऑफ योर सॉन्ग्स आर स्वीट. लाइक अभी जो आपका लेटेस्ट गाना है वही इट्स अ इट्स लाइक बेसिकली बेकी हार्ट ब्रेक हो चुका है पर उसमें भी आपने स्वीटनेस कैसा इंक्लूड किया, हाउ डिड यू मैनेज दैट? यार पता नहीं यार. और पता है क्या शादा ब्रो, अपने ना ऐसा नहीं कि सारे गाने स्वीट हैं, अभी तक जितने भी आए ना वो स्वीट हैं. अपना मैं पता है क्या सोचता हूँ, मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरे ना 100 चेहरे हैं. 100 चेहरे मतलब जैसे हर इंसान होता है ना. हाँ. हर इंसान में वो खुश होता है तो खुश होता है, वो दुखी होता है तो दुखी होता है, वो रोता है तो रोता है, वो हार्ट ब्रेक होता है हार्ट ब्रेक होता है, गुस्सा होता है तो गुस्सा होता है. तो वैसे ही अपने साथ में अपन भी नॉर्मल इंसानों की तरह बस अपने जितने भी वो सारे इमोशंस होते हैं ना वो अलग अलग तरह के, वो 100 चेहरे वो सारे वो गानों में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो अभी वो सब वो 100 अलग अलग तरह के फ्लेवर्स के गाने आने वाले हैं धीरे धीरे करके. मोहित मैं मजाक नहीं कर रहा बिकॉज आपने ऑलरेडी अपनी एक स्पेशल जगह बना ली है. क्योंकि देखो आप मैं अगर बात करूंगा कोई भी सिंगर की फलाना सिंगर या सैड सॉन्ग बड़े गाता है. हाँ. फलाना सिंगर वो तो नो बीट पे गाना अच्छा गाता है. आपके गाने जिस तरीके के रहता है कंप्लीट डिफरेंट फ्लेवर. ये बंदा स्वीट है, वो स्वीट 16 वाला लव जो होता है ना वो स्वीट इतना स्वीट सिंगर मैंने मतलब बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर्स की बात कर रहा हूँ आई हैव नेवर सीन एनीवन. सो यू हैव ऑलरेडी मेड योर प्लेस वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड जब से हम लोग जब से चिल मार रहे हैं जब से एक एक म्यूजिक आ रही है बीट आ रही है आप मस्त मतलब आई नो यू हैव द मूव्स, आप डांस कर रहे हो, आप म्यूजिक फील कर रहे हो. सो व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट वन फास्ट मूविंग सॉन्ग फ्रॉम यू? आई थिंक इन कपल ऑफ मंथ्स. उस सॉन्ग का नाम रे जुगनी. हाँ. अरे नाम ही वो है यार. फोक और है ना थोड़ा सूफी और अब भी टेम्पो का मिक्स है, मतलब बहुत अलग सा वो गाना है. मैं उसको अलहदा गाना कहता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट गाना कहता हूँ वो. ओके. बहुत डिफरेंट है, उसकी फील बहुत डिफरेंट है. तो अभी हम उसी पे वर्क कर रहे हैं. आई थिंक उसको 1-2 महीने लगेगा उसका ऑडियो प्रिपेयर होने में, फिर 1 महीना जाएगा उसके वीडियो में और फिर अपन उसको. आई एम वेटिंग टू. नाम ही इतना जबरदस्त है. रे जुगनी जबरदस्त. एंड देखो आप मोहित की स्टोरी तो हम सब जानते हैं. जयपुर से हो, बॉम्बे में रह रहे हो, बीटेक डिस्कंटिन्यू कर दी, पेरेंट्स सपोर्टिंग कर बहुत सपोर्ट कर रहे हैं. नहीं, बीटेक डिस्कंटिन्यू नहीं करी थी मैंने. ओके. वो जब है ना रॉ स्टार में था ना तब मैं उस टाइम मेरे 4th ईयर में था मेरी इंजीनियरिंग के. तो जब रॉ स्टार आया तो मुझे 4th ईयर डिसकंटिन्यू उस टाइम करके मेरे को जाना पड़ा. और रॉ स्टार के बीच में मैं वापस इंजीनियरिंग के अपना एग्जाम जो मेरे लास्ट पेपर थे ना वो देने गया ताकि मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद में वापस रॉ स्टार. कंप्लीट. कांग्रेचुलेशन सर, ग्रेजुएट इंजीनियर. तो ये ऐसे फॉल्स न्यूज मत फैलाओ, तुम लोग पढ़ के आ जाता हूँ यहाँ पर बेइज्जती हो जाती है मेरी. बट one hardship that you faced, parents ka support tha, that's the biggest thing you can get. But one hard thing that you faced to like come this far, ek to hoti hai yaar hai na hard. To mere ko na pata kaise lagta hai shadab bro ki life mein jo kuch bhi hua hai na wo acha bura na hokar wo bas hua hai aur uski wajah se main aaj yahan par hu. Agar main ek bhi moment hata dunga to shayad main yahan par nahi hunga, kisi aur jagah par hunga. Badi deep baat boli hai yaar, matlab jo bhi hua hai that is why we are like this. Yeah. So we can't change anything. Yeah. Great. So I don't consider anything as my hardship or as my pleasure. I consider them as just as they are. Learning experience tha. हाँ, ये वो जैसा भी था वो ऐसा ही था और उसकी वजह से मैं ऐसा हूँ. और वो परफेक्ट था अपनी जगह, मतलब परफेक्ट प्लेसमेंट हुई है उसकी, बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह. बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह. ग्रेट ग्रेट, एवरीथिंग इज फॉलोइंग इन प्लेस. ब्यूटीफुल. अभी आपने बोला कि हर हर इंसान का एक एक शेड होता है.
तो उसके ऊपर हमारे पास एक गेम है, हम हर एक के साथ, हर सिंगर के साथ ये खेलते हैं। क्या बात है। तो मैं आपको देता हूँ एक इमोशन, ठीक है, उसके ऊपर आपको सबसे पहले जो गाना याद है, वी कॉल इट रैपिड फायर, हमारा रैपिड फायर है, सबसे पहले गाना जो आया वो। ओके प्यार दिल दिया गल्ला करांगे रोज रोज बैके सच्चिया मोहब्बत ने भा हार्ट ब्रेक। अरे यार अभी दिल दिया गल्ला ही चल रहा है दिमाग में। वही हाँ वही मोर के सारे पंख खुले वैसा ही मैं जागा जागा सा नींद रात को जो तू ख्वाब ले मैं ख्वाब मखमली से रेशमी से आवाज तू जिसको सुन के तेरी नींद को आराम जैसे महके तेरे पास में गुलाब हो कहती जिंदगी में आया कैसा क्रेक है कह ले कुछ भी मेरा कप केक है। गुस्सा गुस्सा तेरा वल्ला वल्ला नखरे तेरे उफ 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 लव 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 हमको लव हुआ गुस्से में भी लव है क्या स्वीट बंदा है यार ये जेन्युइनली किसी गुस्से में भी आ जाओ यार गुस्से में लव के साथ। अरे आपको पता ही नहीं है शादा ब्रो मैंने आपको कहा ना अपने 100 faces टाइप के म्यूजिक है तो अपना एक गुस्से वाला गाना है जो मतलब मैं उस दिन इतना गुस्से में था और मैं वही इमेजिन करता हूँ कि आज मैं सोचा कि हाँ शो में कर दूं वो अनरिलीज है इसलिए मैं कर नहीं सकता नहीं तो वो इतना पावरफुल गाना है ना कर दो यार गाने का नाम है हे 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 अभी ऐसा ऑकवर्ड लग रहा है सुनने में जब आप सुनोगे ना रियल में मतलब मैं आपको बता दूं हम लोग कर्मा में शो यहीं हो रहा है अनरिलीज गाने भी ये गाने के मूड में है तो आप लोग अपना मूड बनाओ पहले यहाँ आ जाओ समझ में एंड आई विल बी आस्किंग यू आई विल नो मैं आपको जवाब देता हूँ ठीक है आपको क्वेश्चन बना अरे वाह ठीक है आपको मैं सिर्फ जवाब देता हूँ जयपुर प्यारी जगह है ना नहीं स्टेटमेंट सवाल नहीं अच्छा अच्छा सॉरी 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 ठीक है जयपुर राजस्थान की राजस्थानी क्या है वाह 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 यार होम टाउन है तुम्हारा उससे बेटर था बॉम्बे माया नगरी किसको कहते हैं बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री तुम्हें किसी चीज से प्यार है प्यार लाइफ की सबसे खूबसूरत चीज क्या है ग्रेट और पूरे गाने भाई साहब के प्यार पे ही हैं एंड ये प्यारा परफॉर्मेंस हम आज भी यहाँ देखेंगे यहीं पे कर्मा पे तो आप लोग यहाँ आ जाओ हम सब यहाँ हैं एनीथिंग एल्स यू वांट टू से अपना सॉन्ग वही है बहुत खूबसूरत सॉन्ग है जो उन्होंने कहा ना हार्ट ब्रेक पर है हार्ट ब्रेक पर भी है और सबसे खूबसूरत जो उसकी फीलिंग है ना वो है 3 मिनट का गाना 3 शब्दों में समराइज करना हो आई मिस यू आई वॉज मिसिंग समवन वेरी स्पेशल टू मी उसका नाम आन्या जैसे आयुषी के लिए कपकेक बनाया वैसे आन्या के लिए मैंने वहीं बनाया था और भी कुछ गाने बनाए उसके लिए तो आन्या को मैं मिस कर रहा था एक दिन और मिस कर रहा था तो एकदम से बारिश की तरह ना एक लाइन दिमाग में टपकी दिल तो वही है वही फिर उसकी धुन बनी दिल तो वही है वही और मेरे साथ जब ऐसा एक प्रोसेस शुरू होता है ना गाना बनने का मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ तो मैं ऐसी दोस्तों के साथ में ऐसे खड़ा खड़ा बैठा बैठा और मैं एकदम से चला गया उस सीन से आउट हो गया मैं आउट हो गया बिना बोले क्योंकि मेरे को मूड ब्रेक नहीं करना था और मैं अपने कमरे में खुद को लॉक कर लेता हूँ 2 घंटे के लिए और ये गाना बनाकर ही बाहर आता हूँ 2 घंटे में गाना क्या मतलब ऐसे इतना टैलेंट कहाँ से लेके आते हो यार अरे क्या है यार कितना रगड़ते हैं पता है हम लोग अपने आप को तुम 2 घंटे में गाना लिख लेते हो यार दूसरे लोगों पे तरस खाओ यार दूसरे आर्टिस्ट भी है यार 2 hours में एक सॉन्ग सीरियल दैट्स रियली गुड ना दैट्स रियली अमेजिंग थैंक यू एंड आप अभी पता आयुषी है आनिया हो गई यार कितने बार प्यार हुआ है तुम्हें मेरे को 6 बार छह बार मतलब फुल आपको पता है कैसा है जैसे लोगों को प्यार का कैसे पता चलता है मतलब सबके अपने अपने तरीके होते हैं फंडे होते हैं मुझे ना क्रश बहुत होते हैं मतलब कोई भी प्यारी सी लड़की या सुंदर लड़की या कोई दिल पे भागे ना तो मेरे को क्रश हो जाता है उस पे है ना अब मेरे को डिफरेंस कैसे पता चलता है कि क्रश है या प्यार है अगर मैं उसी लड़की पे गाने बना सकता हूँ तो प्यार है अगर नहीं बना सकता हूँ तो सिर्फ क्रश है तो बस तो गाना बना तो गाड़ी आगे बढ़ेगी ना नहीं अरे क्या बात है गाना बन गया इसका मतलब उससे प्यार जैसा कुछ है नहीं तो सिर्फ अट्रैक्शन है मतलब ऐसा ग्रेट अभी एक चीज है ना बॉलीवुड में काफी गाने आ रहे हैं काफी हो रहे हैं लास्ट 1 ईयर में विच इज दैट 1 सॉन्ग जो आपको देखा यार ये गाना मुझे गाना चाहिए अरे ऐसा यार बहुत सारे गाने लाइक 1 स्पेशल 1 और उसके 2 लाइन अच्छा ठीक है लास्ट 1 ईयर में कौन सा यार बहुत बहुत खूबसूरत गाने आए हैं मुझे ना अरे यार ऐसा तो कैसे याद आ रहा है कितनी गलत बात है ऐसा तो याद ही नहीं आ रहा मुझे ब्रेक डाउन आराम से अरिजीत सिंह का गाना है किसी और का गाना है मेरी लिस्ट यार लास्ट के तो पूरे गाना अरिजीत ने गाया
यार सच बताऊं ना तो मतलब ऐसा कोई गाना नहीं जो मुझे लगा कि मेरे को गाना चाहिए, ऐसे जरूर गाने हैं जो बहुत फेवरेट है मेरे और मेरे को गाने की इच्छा होती है बार बार। कौन सी वाली? तो वो दिल दिया गल्ला मुझे बहुत दिल दिया गल्ला आपने गा दिया। हाँ, और अरे यार ऐसे की याद नहीं आ रहा मेरे को, अजीब लग रहा है, रुक गया ना मैं अब इतनी देर से तो थोड़ा फ्लो में बोल रहा था, अब ऐसे क्वेश्चन पे रुक गया, बताओ ये तो गलत बात हुई। लेकिन ऐसा कौन सा गाना है? We'll come to this question. ठीक है। Because I'll ask you a few questions, आपको खुद आ जाएगा। ठीक है। Inspiration कौन है आपके Bollywood music में? Inspiration कौन है? A.R. Rahman sir. A.R. Rahman sir. उनकी कौन सी, उनको कौन सा मतलब which is that beat या कौन सी which is that music? Music और lyrics का सबसे खूबसूरत combination जो मुझे उनका लगता है ना वो है रहना तू, प्रसून जोशी सर ने लिखा है और मेरे को इतना पसंद है उसके lyrics की, उसके lyrics lyrics कहते हैं कि थोड़ा सा रेशम तू हमदम थोड़ा सा खुरदुरा कभी तू अड़ जाए या लड़ जाए या खुशबू से भरा तुझे बदलना न चाहूं रत्ती भर भी सनम बिना सजावट मिलावट न ज्यादा न ही कम तुझे चाहूं जैसा है तू। ये मेरे को ये थॉट भी बहुत प्यारा लगता है और ये जो फील है ना कि जैसा तू है ना वैसे ही पसंद है मुझे, मेरे को उसमें कुछ मिलावट नहीं चाहिए। तू खुरदरा है वो ही पसंद है, तू रेशम सा वो ही पसंद है, तू जैसा है वैसा पसंद है। आई लाइक योर लाइक फ्लॉज भी मेरे को पूरे। हाँ एग्रीड है वो मुझे बड़ा पसंद है ये लिरिक्स, मतलब ये मेरा फेवरेट है उनका। देखा मैं बोला था ना मैं ऐसे कुछ पूछा वापस वहीं आ जाओगे। हाँ यार बताओ। थैंक यू मोहित, थैंक यू शादा। कब तक हो हैदराबाद में? लीविंग टुमारो। हाँ कल सुबह। तो आज तक ही हो? आज तक ही हो? अरे यार दैट्स कीप कमिंग। आई वुड लव टू। वी रियली लाइक यू, वी रियली वांट टू सी मोर ऑफ मोहित। So, आते रहो यार प्लीज। पक्का ना? पक्का शादाब। चल ठीक है यार। ओके ब्रो। ओके उनको भी बाय बोल दे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड बाय। और हाँ जितने भी अपने यहाँ के जो लिसनर्स है ना वो वहीं जरूर सुनना और वहीं जैसा भी लगे उस पे कमेंट करना। यूट्यूब पे अपना चैनल है मोहित गौड़ और वेरीफाइड चैनल है। कमेंट क्या करना कि अपने अपना शो का नाम है मिर्ची 95। यस मेरा नाम शादाब है। शादाब तो अपन मिर्ची 95 से हैं, ऐसे करके आपका कमेंट ऐड कर देना ताकि मुझे पता चले कि अपना शो देखकर वहां पे आप सब गाना सुनने आए हो। ऐसा कंपलसरी। थैंक्स मैन। थैंक यू सो मच। थैंक यू शादाब।